वाला हूँ आप लोग कैसे डेबिट कार्ड से कुछ भी दोस्तों बाई कर सकते हैं EMI पर यहाँ पर फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप के हुए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के पास यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं होता, सिर्फ डेबिट कार्ड होता है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 3000 से कुछ ऊपर वाला ही सामान बाई करना है, तभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर EMI पे प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दोस्तों मैं कोई फ़ोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये वाला फ़ोन सिलेक्ट करता हूँ, और देन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलेगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पर मैं कोई ऐसा फ़ोन दिखाता हूँ जो कि दोस्तों आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाला फ़ोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे दोस्तों मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ऑप्शन देखने को मिलेगा पे विथ EMI। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को अलग तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। दोस्तों मेरा नेट स्लो स्क्रीन से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग को ऐड का ऑप्शन करने को आएगा। अगर दोस्तों आप लोग चाहें तो कवर ऑर्डर कर सकते हैं, या दोस्तों चाहें तो नहीं, तो आप लोग को स्किप एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर दोस्तों नहीं करना तो आप लोग दोस्तों कंटिन्यू विथ EMI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट करना है, यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग चाहें तो COD कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे COD नहीं करना है, या दोस्तों हम लोग को COD ऑर्डर करना नहीं है, क्योंकि हम लोग को दोस्तों डेबिट कार्ड से EMI बाई करना है, सॉरी दोस्तों डेबिट कार्ड यहाँ पर EMI पे बाई करना है, डेबिट कार्ड से कुछ भी। तो दोस्तों आप लोग को बाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट यहाँ पर ऑप्शन विथ EMI, तो आप सभी को दोस्तों इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप सभी दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें भी यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड से ही बाई करने का आता है, यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग के पास पे लेटर भी नहीं है, या दोस्तों पे लेटर है तो पे लेटर से दोस्तों आप लोग आसानी से EMI पे कुछ भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पे लेटर का ऑप्शन शो हो जाता है, और दोस्तों आप लोग पे लेटर पर सिलेक्ट करके और EMI सिलेक्ट करके आसानी से दोस्तों बाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग के पास पे लेटर नहीं है, तो दोस्तों आप लोग को सिंपली पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर विथ EMI वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 1 कार्ड देखने को मिलेगा, आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसमें FD कीजिएगा। देन FD करने के बाद दोस्तों आप लोग का यहाँ पर कार्ड क्रेडिट कार्ड बन जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से कुछ भी बाई कर सकते हैं FD वाले क्रेडिट कार्ड से। तो वीडियो